लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने आज केलंग में नामांकन भरा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। रवि ठाकुर ने केलंग माता मंदिर से पुलिस मैदान तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और सैकड़ों समर्थकों के साथ केलंग में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोग देव संस्कृति के साथ जुड़कर काम करते हैं, कड़ा संघर्ष कर देश के विकास में योगदान देते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसको देना था उन्होंने दे दिया, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और मुकाबला जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो इस बात को आप मान करके चलिए कि कांग्रेस का भविष्य ना तो देश में है और कांग्रेस का भविष्य अब ना हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं, भविष्य देश में भी भाजपा का है, भविष्य प्रदेश में भी भाजपा का है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य जनता की आवाज सुनना है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जनता के साथ साथ विधायकों की आवाज दबाने का भी प्रयास किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि रवि ठाकुर सहित अन्य विधायक आत्मसम्मान के लिए पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है, इसके साथ ही हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और जो कांग्रेस के नेता यहां के प्रभारी बनाए गए हैं, ट्राइबल के मिनिस्टर हैं, वो रवि ठाकुर जी से इस बात को लेकर के परेशान, उनको लग रहा कि अगर भाजपा की सरकार आ गई जो सम्मान वो महसूस कर रहे हैं, जो सम्मान उनको मिला है, कहीं वो सम्मान रवि ठाकुर को न मिल जाए, जो कहीं यहाँ पर लाहौल स्पीति को सम्मान न मिल जाए, इस बात को लेकर के जितना कोस सकते हैं कोसते हैं। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा पर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सबका हक है कि वे चुनाव लड़े, यदि वे पार्टी से संवाद करते हैं तो साथ चलने की भी बात की जाएगी। हाँ है, सुना है, लेकिन लोकतंत्र है, अपने चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ हम संवाद में हैं, बातचीत में हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो साथ चलें, सहयोग करें।